हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तो केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में तीन केमिकल्स हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कौन कौन से हैं एक है आपका इंक्रीज इन पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज इन पी ओ टू ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर एंड इंक्रीज इन एच आई एल तो ये तीन चीजें हैं तीन केमिकल्स हैं जो कि आपके रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करते हैं इसको हम कहते हैं हाइपर कैपनिया इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया और इसको हम कहते हैं एसिडोसिस तो ये तीन केमिकल्स हैं जिनसे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है एंड वेंटिलेशन इंक्रीज होता है तो ये तीन चीजों का जो इफेक्ट है वो हमारा आता है केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेसेप्टर रेस्पिरेशन में हमारे आते हैं, चीकल चीकल हमारे आते हैं कीमो रिसेप्टर्स कीमो हैज फॉर केमिकल एंड रिसेप्टर्स आर फॉर रिसेप्टर्स एग्जाम में क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो एक होता है बैरो रिसेप्टर एक होता है कीमो रिसेप्टर्स तो ये कीमो रिसेप्टर्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का पार्ट है और जो आपका बैरो रिसेप्टर्स है बी फॉर रिसेप्टर बी फॉर ब्लड प्रेशर तो बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का पार्ट है कीमो रिसेप्टर्स में आपके आते हैं कैरोटेड बॉडीज एंड एटिक बॉडीज जो अभी हम डिस्कस करेंगे यहां पे ये कैरोटेड बॉडी है और ये एटिक बॉडी है तो ये है हमारे कीमो रिसेप्टर्स के पार्ट बैरो रिसेप्टर्स में भी सिमिलर टाइप के हैं लेकिन उसमें साइनस वर्ड होता है कैरोटिड साइनस एंड एटिक साइनस दे आर बैरोप्टर दे आर फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ओके तो साइनस जो है ना एक ऐसी चीज होती है होलो टाइप की चीज होती है आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसमें से ब्लड बहेगा तो वो उस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर मतलब सेंस uh, कर सकता है तो कीमो रिसेप्ट कैरोड साइनस एंड एटिक साइनस दे आर बैरोप्टर एंड दे आर फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हियर वी आर डिस्कसिंग दी कीमो रिसेप्टर कैरोड एंड एटिक बॉडीज एंड देर स्टीमुलशन दे इनक्रीज देंटिलेशन तो ये ध्यान रखने की चीजें आपको अब कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो दो होते हैं दो तरह के होते हैं एक होते हैं पेरीफेरल कीमो रिसेप्ट एक होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्ट सेंट्रल का मतलब सेंटर में होंगे अच्छा रेस्पिरेशन का जो सेंटर है वो कहाँ होता है मेडुला में होता है मेनली मतलब पॉन्स में भी होते हैं मेनली मेडुला में तो जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है वे पाए जाते हैं मेडुला में और इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस डिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं ये कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन पे होते हैं एंड आर्च ऑफ और के पास होते हैं पेरीफेरी तो सेंटर से अलग पेरीफेरी हो गया एक तरह से तो ब्रेन में नहीं है ये अलग जगह पे इनका नाम है पेरीफेरल एक तो कौन कौन से होते हैं ये भी दो होते हैं एक होते हैं कैरोटिड बॉडी और दूसरे होते हैं एओटिक बॉडी जो आर्च ऑफ ओटा के पास है वो एटिक बॉडी है जो कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन पे है वो कैरोटिड बॉडी है ये एक एक होते हैं दोनों साइड में मतलब वन ऑन ईच साइड और ये टू टू थ्री हो सकते हैं आर्च ऑफ ऑर्टा के पास में ठीक है तो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं कैरोटेड एंड आयोटिक बॉडीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आर बॉडीज ये ध्यान रखना है एंड दे आर कैरोड एंड आयोटिक बॉडीज दे आर पेरीफरल कीमो रिसेप्टर्स पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो सेंस करते हैं ये दोनों के दोनों ही प्राइमरली सेंस फॉर हाइपोक्सिया, इनका जो मेजर स्टिमुलस है है वो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेकिन ये हाइपर कैपनिया यानी इंक्रीज इन पीसीओ टू एंड इंक्रीज इन एचआईन एसिडोसिस को भी सेंस करते हैं बट पी टू को इनका जो है मेनली फोर्टी परसेंट जो सेंस होता है पीसीओ टू को वो पेरिफरल कीमो रिसेप्टर्स करते हैं और 60 परसेंट जो है वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स करते हैं इनका जो मेजर स्टिमुलस है वो है पी सी ओ टू ओके और H आई B H एच और पी सी ओ टू एक तरह से साथ साथ चलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एच टू सी ओ थ्री बनाता है और वो डिवाइड होके H आई देता है तो फाइनली एच आई ही इसका मेन स्टिमुलस होता है तो ध्यान रखने की चीज़ है कि सेंट्रल कीमोरोसेप्टर्स में 60 परसेंट जो इफेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो इफेक्ट है वो 60 परसेंट सेंट्रल कीमोरोसेप्टर के थ्रू है एंड 40 परसेंट पैरिफेरल के थ्रू है और पेरीफेरल कीमोरेप्टर जो है मेनली हाइपोक्सिया को सेंस करते हैं अब कैसे सेंस करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इससे पहले हम इसकी अनाट में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर होते हैं तो ये डायग्राम है ये हर्ट है ओके okay? ये है हमारा आर्च ऑफ ऑटा आर्च ऑफ ऑरटा ये दो है हमारी दोनों साइड में यहां पर नेक में चलती है दोनों साइड में कॉमन कैरोड आर्टरी ओके कॉमन कैरोड आर्टरी और ये बेस ऑफ स्कल पे डिवाइड हो जाती है इंटरनल कैरोटेड और एक्सटर्नल कैरोटेड में डिवाइड होती है तो दे आर कॉमन कैरोटेड आर्टरी ये यहां पर बाईफर्केशन हुआ ये अंदर वाली इंटरनल हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बाहर वाली एक्सटर्नल हो गई एक्सटर्नल बाहर वाली है इंटरनल अंदर वाली है सो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो जहां पर बाइफर्केशन है वहां पर दोनों साइड में एक एक कैरोटिड बॉडी होती है ओके आर्च ऑफ ऑर्टा के नियर बाई वहां पर एटिक बॉडीज होती है टू टू थ्री एओटिक बॉडीज हो सकती है तो दे आर दी पेरीफेरल की ओके okay. यही पे आप याद रख ले जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि जो इंटरनल कैरोटेड आर्टरी है इसकी यहां पे स्टार्टिंग में एक साइनस टाइप का एक थोड़ी सी स्वेलिंग होती है और ये बनाती है साइनस और अभी मैंने बताया कैरोटेड साइनस इज रिसेप्टर एंड दे आर फॉर बीपी कंट्रोल तो कैरोटेड बॉडी इज फॉर रेस्पिरेटरी कंट्रोल दे आर पेरीफेरल कि बाइफर्केशन पे है इंटरनल कैरोटॉट्री के शुरुआत में एक स्वेलिंग सी हो जाती है इसको बोलते हैं कैरोटेट साइनस जो कि बैरो रिसेप्टर है बैरो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में नाइनटी टू हंड्रेड परसेंट चांस होते हैं कि आता है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि दोनों ही आस पास होते हैं ओके नाउ इनका अगर हम कट सेक्शन ले लें ये हमने कैरोटेट बॉडी का डायग्राम है कट सेक्शन में ये कैसे दिखाई देते हैं तो ये दो तरह की सेल्स इनमें होती है एक टाइप वन सेल्स हैं जो मैंने ब्लू से शो करी हुई हैं ये सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस है सारी ऑर्गेनलीज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका पेरॉक्सीसोम ऑक्सीसोम जो भी सारी ऑर्गेनलीज होती हैं वही हैं इनमें है। इनका नाम है टाइप वन सेल्स या ग्लोमस सेल्स कहते हैं इन्हें टाइप वन सेल्स और ग्लोमस सेल्स होती हैं दूसरी इनमें दो या तीन ग्लोमस टाइप वन को कवर करते हुए एक दूसरी टाइप की सेल होती है इनको हम बोलते हैं टाइप टू सेल्स सो दे आर

के जो सेंस है जो हाइपोक्सिया है या हाइपर कैपनिया उसको सेंस करती है और सेंस करके इनसे एफरेंट नर्व जाती है जिसका नाम है ग्लोसोफेजल नर्व नाइन्थ नर्व ग्लोसोफेजल नर्व या नाइन्थ नर्व इसको सेंस करती है जो भी हाइपोक्सिया या जो भी चेंजेस ब्लड में हो रहे हैं ठीक है और फाइनली ये देती है डीआरजी को डॉर्सल रेस्परेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ऑफ मेडुला को और ये स्टिमुलेट होगा तो फाइनली होता है आपका इंक्रीज इन वेंटिलेशन अब ये कैसे कर रही हैं? ये जो सेल्स हैं टाइप वन ग्लोमस सेल्स यहां पर इनमें चैनल्स होते हैं ओके और इनमें ग्रेन्यूल्स भी होते हैं तो जो चैनल्स हैं ये चैनल्स होते हैं पोटेशियम चैनल्स और जो ये ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर मेनली डोपामिन भरा होता है और भी भरे होते हैं जैसे सब्सटेंस पी हो गया नोरेपी होगा ये भी भरे होते हैं तो होता क्या है मैकेनिज्म देखिए आप जैसे ही हाइपोक्सिया होगा हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज इन पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ओके तो यहां पर है ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स तो पोटेशियम जो चैनल्स हैं नॉर्मली पोटेशियम चैनल्स का ईफ्लक्स e हो रहा है जैसे चैनल्स हैं सेल है इन सेल से इस e हो रहा है नॉर्मली ये सेल है ये नॉर्मल कंडीशन है लेकिन जब हाइपोक्सिया होता है जब हाइपोक्सिया होता है तो ये इफ्लक्स कम हो जाता है तो देर इज अ डिक्रीज इन पोटेशियम इफ्लक्स माने होता है बाहर जाना नॉर्मली जो पोटेशियम बाहर जा रहा था ये अब हाइपोक्सिया की वजह से कम हो गया तो कम हो गया तो यहां पर पोटेशियम ज्यादा हो गया इसका मतलब एक्ूमुलेशन ऑफ पोटेशियम इन द सेल कौन सी सेल ग्लोमस सेल्स इन ग्लोमस सेल्स ओके अब पोटेशियम अगर अंदर है यानी कि पॉजिटिव आयन अंदर है तो ये क्या हुआ ये हुआ डीपोलराइजेशन ऑफ सेल डीपोलराइजेशन ऑफ सेल तो ये जो सेल्स हैं, ग्लोमस टाइप वन सेल्स उनका डिपोलराइजेशन हो गया जब डीपोलराइजन होता है तो यहां पर एक दूसरे चैनल्स होते है, जो हैं जो है आपके कैल्शियम चैनल्स तो इसी में आपके कैल्शियम चैनल्स होते हैं और इस डिपोलेशन के बाद उन कैल्शियम चैनल्स से कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है यहां पर दूसरे चैनल्स हैं कैल्शियम चैनल्स ओके इन सेल्स के अंदर यहां पर कैल्शियम चैनल्स भी है तो इनकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है या थ्रू कैल्शियम चैनल्स और जब ये कैल्शियम चैनल्स का इन्फ्लक्स होता है तो यहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं मैंने बताया था ग्रेन्यूल्स जिनमें मेनली डोपामीन भरा हुआ है उनका डिग्रेन्युलेशन हो जाता है डिग्रेन्युलेशन का मतलब है कि उनमें से जो डोपामीन है वो बाहर निकल आया तो वॉट हैपन देर इज अ डी ग्रेन्यूलेशन ऑफ डोपामीन मेनली डोपामीन होता है बाकी भी होते हैं बाकी क्या क्या होते हैं नोरिपिन भी होता है उसमें सब्सटेंस पी भी होता है उसमें ऐसे टाइलकोलिन भी होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मेनली डोपामीन होता है तो आप चाहे ये याद रखें तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं डोपामीन याद रखना जरूरी है अब जब ये डोपामीन सिक्रीट होता है तो यहाँ से यह ग्लोसोफेरेंजल नर्व के एफरेंट्स हैं ग्लोसोफेंजल नर्व नाइन्थ क्रेनियल नर्व है तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिसेप्टर्स हैं डोपामीन के डी टू रिसेप्टर्स डी टू रिसेप्टर्स होते हैं डी टू टाइप है डी वन डी टू हो सकते हैं तो डी टू टाइप यहाँ पर होते हैं रिसेप्टर्स तो जो डोपामीन सिक्रिट हुआ यहाँ से इस डी टू रिसेप्टर्स पे अटैच हुआ और यहाँ पर अंदर चेंजेस हुए सिग्नल्स हुए और ये सिग्नल्स नर्व के थ्रू डी आर जी पे गए एंड देन देयर इज अ इंक्रीज इन वेंटिलेशन अब वेंटिलेशन इंक्रीज हुआ तो जो हाइपोक्सिया हो रहा था क्योंकि जब सांस आप ज्यादा लेंगे तो कार्बन जो ऑक्सीजन है वो इंक्रीज हो जाएगी यानी नॉर्मल हो, तो हो रहा था फाइनली क्या होता है वेंटिलेशन बढ़ गया तो वेंटिलेशन बढ़ने से ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर बढ़ गया यानी कि नॉर्मल हो गया ओके सेम ऐसा ही अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल्स के अंदर पहुंच के वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दे मेक एच टू सी ओ थ्री दैट इज कन्वर्ट इन टू एच आयन प्लस एच सी ओ थ्री आयन और ये एच आयन यहाँ पर ग्लोसोफेंजल नर्व को स्टिमुलेट करता है उससे फिर से क्या होगा इंक्रीज इन वेंटिलेशन तो ध्यान रखना है हाइपर कैपनिया यानी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इसको स्टिमुलेट करते हैं एंड हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करते हैं तो जैसे ही वेंटिलेशन बढ़ेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठी हो रखी थी वो बाहर निकलने लगती है देखो ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट चीज ये है वेंटिलेशन जब भी बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जो भरी हुई है और जो ऑक्सीजन कम हो रही है ऑक्सीजन आप बॉडी में लेते हो और ज्यादा ठीक है तो हाइपोक्सिया और हाइपर वेंटिल हाइपर कैपनियर दोनों में से कुछ भी हो हाइप, मतलब वेंटिलेशन बढ़ेगा और इनका जो कॉन्सनट्रेशन है ब्लड में वो नॉर्मल होने की तरफ जाएगा यही हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है तो मेन आपकी मैकेनिज्म ये थ्रू डोपामीन हो रही है कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज की ये कैरोटिड बॉडी है एरोटिक बॉडीज़ की भी ऐसे होती है लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी लेस नॉन स्ट्रक्चर है क्योंकि थोड़ी अंदर होती है इसको निकाल के इस पर स्टडी करना आसान होता है दूसरी एक चीज और है कि इस जो कैरोटेड बॉडी है बहुत ही स्मॉल साइज की होती है इसका जो वेट है वो टू मिलीग्राम वेट है लेकिन इसका ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू बहुत ज्यादा है सबसे ज्यादा कह सकते हो टू लीटर पर 100 ग्राम ऑफ बॉडी टिश्यू इसका ब्लड फ्लो होता है मतलब टू मिलीग्राम की है तो अगर हम 100 मिलीग्राम के हिसाब से निकालें तो उसमें दो लीटर ऑलमोस्ट बह रहा है ब्लड हंड्रेड पर हंड्रेड एक्चुअली कभी हम ब्लड फ्लो को कंपेयर किया जाता है तो हम कंपेयर करते हैं हंड्रेड ग्राम ऑफ टिश्यू के हिसाब से मतलब टू मिलीग्राम में इतना है तो हंड्रेड में कितना है कोई भी टिश्यू हो तो ब्रेन से भी ऑलमोस्ट फोर्टी टाइम्स इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है इसकी वजह से जो ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसी से इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी होती रहती है तो जब तक वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज ना हो तब तक ये इसको सेंस नहीं करते लेकिन ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा है इसका कि जो भी एक्टिविटी जो भी चेंजेस इसमें पी ओ टू पी सी ओ टू में हो रहे हैं वो ये सेंस कर लेते हैं ये डायग्राम है इसमें क्या किया गया है कि कैरोटेट बॉडी को निकाल के बाहर और हा साथ में इसका जो एफरेंट नर्व फाइबर यानी ग्लोसोफ एनजल नर्व उसको आ, आर्टेरियल पी ओ टू हमने एक्स एक्सिस पे आर्टेरियल पी ओ टू लिया है इसमें धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं हाँ फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड ये देख रहे हैं और इम्पल्स पर सेकेंड निकाल रहे हैं इम्पल्स पर सेकेंड का मतलब है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है सॉरी जो एफरेंट नर्व है यानी कि ग्लोसोफ नर्व फाइबर है उसमें कितने चेंजेस हो रहे हैं तो जब तक हंड्रेड के आसपास आता है तब तक बहुत ज्यादा चेंज इसमें नहीं होते लेकिन एग्जैक्टली जब सिक्सटी के पास आ जाता है 60 है तो एब्रप्टली इसमें एकदम चेंज आ रहा है तो सिक्सटी एम एम से नीचे जाने पर एब्रप्टली इसके इम्पल्स में चेंज होता है एब्रप्टली इसको अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है ये 60 एम से कम पे ही क्यों अफेक्ट होते हैं तो एक बात तो यह है कि ये टोटल ऑक्सीजन कंटेंट से अफेक्ट नहीं होते मेनली ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड अफेक्ट होते हैं पहला तो पॉइंट ये है दूसरा ये है कि जैसे ही ये ऑक्सीजन हंड्रेड से थोड़ी सी कम हुई हाइपर वेंटिलेशन शुरू हुआ सपोज थोड़ा इसने स्टिमुलेट किया हाइपर वेंटिलेशन स्टिमुलेट हुआ तो उससे क्या होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर एकूमुलेट थी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली तो डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो स्टिमुलेशन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है इनिबिट हो जाता है तो हाइपोक्सिया को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है इस इफेक्ट को देने के लिए दूसरा पॉइंट इसका रीजन ये है इसके दो पॉइंट्स होते हैं एक तो मैंने आपको भी बता दिया अनदर पॉइंट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर एसिडिक देन हीमोग्लोबिन, पहली बात ये है तो जब हाइपोक्सिया होता है तो ऑक्सी कम है उस टाइम पे हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो यानी कि इन केस ऑफ हाइपोक्सिया देर इज लेस एच आयन इन द ब्लड क्योंकि ऑक्सी हिमोग्लोबिन होता तो ज्यादा एच आयन होते हीमोग्लोबिन है तो कम एच आयन है क्योंकि हाइपोक्सिया हुआ तो ऑक्सीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए एच आयन कम हो रहे हैं ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि एच आयन जब बढ़ते हैं तो वो वेंटिलेशन को स्टिमुलेट करते हैं एच आई जब घटते हैं वेंटिलेशन को इनिबिट करते हैं तो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिक्रीज इन यानी इनिबिट वेंटिलेशन तो ऑल दो आप हाइपोक्सिया की वजह से स्टिमुलेशन हो रहा है लेकिन यह अहन कम होने की वजह से इनिबिशन होने लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा ये जब भी हाई वेंटिलेशन शुरू होगा जो हाँ, मतलब हाइपोक्सिया की वजह से स्टिमुलेशन शुरू हुआ तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी वॉश ऑफ हो रही है बाहर निकल रही है वॉश ऑफ हो रही है तो वॉश ऑफ होने की वजह से वो भी इनिबिट करती है वेंटिलेशन को तो एक तो इसका ये रीज़न हुआ दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये किस किस चीज से अफेक्ट होती है ये साइनाइड से बहुत अच्छा स्टिमुलेशन इनका होता है साइनाइड क्या होता है साइनाइड एक पॉइजन है जो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को रोकता है ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को रोकेगा तो हाइपर वेंटिलेशन होगा तो इससे स्टिमुलेट होते हैं लेकिन ये एनीमिया और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में स्टिमुलेट नहीं होते क्योंकि इन दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन का कंटेंट तो कम होता है लेकिन पीओ टू आर्ट्रियल पी ओ टू नॉर्मल होता है इसलिए एनीमिया और कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग के केस में कैरोटेड बॉडीज स्टिम्युलेट नहीं होती है तो ये दो क्वेश्चन कारण के उसमें आते हैं कि रीजन बताइए इन दोनों के केस में क्यों नहीं स्टिमुलेट होता है साइनाइड में क्यों होता है ये 60 से कम में क्यों होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा तो तो एक और चीज़ है कि जो कैरोटेड बॉडीज से तो ग्लोसोफेन्जल नर्व लेके जा रही है आउटिक बॉडीज से लेके जाती है वैगस नर्व जो कि ट्वेल्थ नर्व है ओके okay, उसका इफेक्ट भी सेम होता है बॉडी का लेकिन थोड़ा कंपैरेटिवली कम इफेक्ट होता है सो दिस इज ऑल अबाउट दी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स तो केमिकल रेगुलेशन में पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एंड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर मेनली हाइपोक्सिया को सेंस करते हैं बट ये हाइपर कैपनियन ने को भी थोड़ा सेंस करते हैं ध्यान रखने की चीज है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर थैंक यू